सामेकुम सर सर आ, सबसे पहला मेरा सवाल जैसे स्टार भाई ने सवाल कर लिया है सर चार्जेस के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू मलिक असलम साहब एंड मुजीब भाई कि आपने ये सेशन अरेंज किया कि कस्टमर मैनुफैक्चर के दरम्या में जो ब्रिज है सेल्स पार्टनर का रिटेलर का ब्रिज कह लें डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रिज कह लें उसको इतनी रिस्पेक्ट के साथ और इतनी अच्छी मीडिया प्रेजेंटेशन के साथ आपने हमारे जो कस्टमर हैं जो उन प्लाट्स खरीद रखे हैं कैपिटल स्मार्ट में उन तक ये मैसेज बड़े क्लियर तरीके से पहुंचाने की कोशिश की उनके कंसर्न आपके सामने रेज करने की कोशिश की जो सबसे बड़ा कंसर्न था अभी भाई ने रेज किया वो था सरचार्जेस कंसर्न अब दूसरा बड़ा जो कंसर्न है हमारे मेम्बर्स का ट्वेंटी एटीन से लेके अब तक मेरा ख्याल है कि ओवरसीज नाम का जो ब्रांड है वो लॉन्च ही कैपिटल स्मार्टिस ने किया था इससे पहले ओवरसीज का ब्रांड या नाम किसी को पता तक नहीं था आज हर आज दिन जो सोसाइटी आती है पहला ब्लॉक लॉन्च करती है ओवरसीज के नाम से अब जितने हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं या लोकल क्लाइंट्स भी हैं जो प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में लेकिन ट्रांसफर की पॉलिसी चूंकि अब ऐसी हो गई है फॉर एग्जाम्पल कि आप प्लॉट लेते हैं तो आपको जैसे पहले पॉलिसी थी कि आप ट्वेंटी परसेंट प्लॉट खरीद सकते थे जिस तरह मुल्की हालात हैं जिस तरह इकनॉमिक हालात हैं जिस तरह रुपये की डिवेलुएशन है फ्लक्चुएशन है करेंसी की तो आप उस तरह से अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि वो बड़ा चंक पाकिस्तान भेजे क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि हालात बने हुए हैं उसकी ये फिजिबिलिटी नहीं बनती क्योंकि दूसरे मुल्कों में भी इक्वली उसी तरह महंगाई है ड्यू टू डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड तो मेरी रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से कि जो ट्वेंटी ट्वेंटी की ट्रांसफर पॉलिसी थी उसी पॉलिसी को दोबारा इंप्लीमेंट किया जाए और उसी पॉलिसी के तहत दोबारा प्लॉट्स की ट्रांसफर्स को ओपन किया जाए ताकि हर एक इंडिविजुअल के पास के जो बेशक एक टैक्सी चलाता हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्लॉट ही वांट टू बाय कि वो प्लॉट को प्रक्योर कर सके ट्वेंटी परसेंट पर प्लॉट की ट्रांसफर जो है दोबारा से उस तरह ओपन होना चाहिए ये मेरी रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैनेजमेंट को मजीबी भाई को मलिक असलम साहब को कि आपने इतना बेहतरीन इवेंट मेबर के कंसर्न रेज करने का हमें मौका दिया थैंक यू सो मच फॉर दैट ये अब किन किन लोगों की तरफ से ये सेम जी है हाथ उठा के बताए मेरी, <laughs> मेरी तरफ से भी है तो अगर हम जो प्रीवियस ट्रांसफर पॉलिसी है जो रिजवान चीमा साहब ने की है कि हम इसको जो पॉलिसी है इसको हम अगर आप अप्रूवल दें तो इसको हम बहाल कर दें जो पुरानी हमारी ट्रांसफर पॉलिसी थी जो सब लोगों को पता है कि उसमें कुछ फाइल्स हमारी ट्वेंटी परसेंट पे ट्रांसफर होती हैं कुछ हमारी 65 परसेंट पे होती हैं कुछ हमारी 50 परसेंट पे होती हैं मुझे ये कल बता रहे थे कि ए जी ने ना कुछ ए जी है ना जो जा रहे डी एच का हेड ए जी है ना ए जी के अंडर है जो डी आच इस्लामाबाद है वो सिर्फ कोर कमांडर के बगैर डायरेक्ट ए जी देख रहे हैं और बाकी सारे डी एच जो है वो कोर कमांडर्स देख रहे हैं उन्होंने पिछले ना टेन डेज या ट्वेंटी डेज का डाटा मांगा तो डिया लाहौर में दस दिन में एक भी फाइल ट्रांसफ़र नहीं हुई नॉट ए सिंगल फाइल ट्रांसफर्ड इन डिया चे लाहौर इस्लामाबाद में सिर्फ सेवन या एट फाइलें दस दिनों में ट्रांसफ़र हुई हैं इतना हालात जो है ना वो नीचे बिकॉज ऑफ सेवन ई जो टैक्स लगा हुआ है उसकी वजह से लोग अवॉइड कर रहे हैं ना इसमें आना या ट्रांसफ़र करवाना लोग सोच रहे हैं कर रहे हैं उस सिलसिले में हमने उसका हाल निकाला हुआ है अभी हम हम भी एफिडेविट लेके वो ट्रांसफ़र शुरू कर दिए हमने शुरू कर चुके हैं हम लोग ना तो बड़े मिसाइल ने पाकिस्तान में आपने सही कहा मुजीब ने कि जो रियल स्टेट कोविड आया हुआ है आजकल रियल स्टेट के ऊपर उसको सब ने मिल के इसका हल करना है तो इन हम कोशिश करते हैं और किसी का कोई को सवाल है तो प्लीज कि जिस तरह डेवलपमेंट चार्जेस पे सर चार्जेस या कॉस्ट ऑफ लैंड पे सर चार्जेस थे हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स ऑनलाइन कंपनी अकाउंट में पे की तो जिस तरह कैपिटल स्मार्ट ने पहले ओवरसीज ब्लॉक पाकिस्तान में लाने का ट्रेंड सेट किया था मेरा ख्याल है कि जिन मेंबर्स की पहले सरचार्जज कटे हैं उनके सरचार्जज उनको वापस होने चाहिए सोसाइटी को एक नया ट्रेंड सेट करना चाहिए कि हम हम पैसे जो लिए हुए पैसे हैं आपसे हम आपके पैसे आपके लेजर में एडजस्ट कर देंगे किसी मेंबर को किसी नुकसान नहीं होना चाहिए सरचार्जज का और अगर दोबारा अगर किससे आना बंद हो तो आपसे लेंगे फिर ठीक है तो इस एस सिलसिले में ना मैं इससे पहले कि मुजीब साहब बात करेंगे मैं ज़रा ये कहूँगा कि मैं अक्सर जो है ना आप लोगों की वीडियोज़ देखता रहता हूँ रियल स्टेट की जो चीमा साहब की और बाकी सब दोस्तों की भी और जो लोग हमारे ख़िलाफ़ बनाते हैं ना वीडियो में वो भी देखता रहता हूँ मैं वो ज़्यादा देखता हूँ तो इसमें ना जो एक तो ये वजह है और दूसरी अदरवाइज भी बड़ा और लगता है कि हम पहले सेल कर लें और फिर उसको मर्ज कर लें वो लगता है कि हमने ज़्यादा फैल बेच दी थी हम मर्ज करने पे लग गए हैं तो थोड़ी सी एक नेगेटिविटी आती है हम जब मैं इसको हम उसको हमारे जाहिर साहब भी और मैं भी इसको डिस्कर्स करता हूँ कि मर्जिंग पे ना जाया जाए क्योंकि एक पॉलिसी जब हम अनाउंस करते हैं ना पॉलिसी अनाउंस कर दी कंपनी ने लिख के दे दी अपनी वेब पे कि जी मर्जिंग शुरू है इसका मतलब है कि आपने ज्यादा बेची हुई हैं तो आप, आप मर्ज करके उसको शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसा तो कर ही नहीं रहे तो इस सिलसिले में हम पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकते कि हम मर्जिंग करने जा रहे हैं मगर अदरवाइज कोई को प्रॉब्लम है तो वो मेरा ख्याल है मजीब साहब रब्ता करके उसको रिक्वेस्ट करके लोकल रिक्वेस्ट करके उसको नॉट एज ए पॉलिसी बट एज ए रिक्वेस्ट वो की जा सकती है तो वी कैन हैंडल दैट वी कैन अकोमोडेट दैट अभी जो आप लोगों ने बड़े मुश्किल में डाल दिया हमें मुझे अजीब को और मुझे लग रहा है कि आप सब लोग मशवरा करके आए थे सारे मशवरा करके मिल मिला के कि ये हमने दोनों लोगों को ना मुश्किल में डालना है इसका जो हल है हमने मशवरा किया है जाहिर साहब से भी कोशिश की है बात करने की और जीव साहब कुछ मैं ऐसे कहूँगा कि कुछ रबता कुछ आपसे डालें रोशनी इस पर सर थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन आए मेरे पास लिखे हुए थे जो अभी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए <coughs> मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा मर्जर के ऊपर uh, देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि जो मर्जर है और हमारी जो कंपनी का हमेशा से एक विजन रहा है कि हमने ओवर सेलिंग नहीं करनी और डिलीवरी जो है टाइम से पहले देनी है तो मर्जर का हमेशा मार्केट में एक तरह से मतलब लिया जाता है कि शायद ओवर सेलिंग या शायद नहीं दिया ही ये यह लिया जाता है कि ये कोई ओवर सेलिंग है तो इसलिए हम हाईली वी डिस्करेज कि हम मर्जर की तरफ़ जाएं क्योंकि जब हमने ओवर सेलिंग नहीं की तो हमें मर्जर करवाने की क्या ज़रूरत है मेरे इमरान से इस सिलसिले में भी बात हुई तो हम इसके ऊपर कोई पॉलिसी तो नहीं लेकिन आपको गाइडलाइन दे सकते हैं और गाइडलाइन जो वो इस तरह से गाइडलाइन है कि क्योंकि मुझे इमरान ने बताया कि बेसिक उनके कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने छः छः सात सात प्लॉट्स ले लिए होते हैं फाइज ले ली होती हैं इस सोच के साथ कि हम इसमें से कुछ सेल कर देंगे या लॉन्ग टर्म चला लेंगे लेकिन आजकल के हालात की वजह से उनसे वो चीज़ें रन नहीं की जा रही या उनमें सर में पेमेंट नहीं दी जा रही तो इसके अंदर हम ये है कि जो हमारी जो कैंसिल हुई हुई थी फाइल्स आ, उसके हवाले से आपने बात की जो कैंसल्ड फाइल्स हैं वो हम आपको जो चार या रेजिडेंशियल या कमर्शियल जो फाइल्स हैं आ, जो कैंसल हो चुकी हुई हैं और सेम साइज़ और प्राइस की हम उनमें एक उन वो मर्ज करके उनको एक एक्टिव कर देंगे और बाकी आप उसको पेमेंट के थ्रू करवा दें जमा और सेकेंडली जो पहले सिर्फ एक ऑनर के नाम से फाइल्स जो हैं उसके अंदर मर्ज हो रही थी अब यह है कि आपने अगर किसी दूसरे की फाइल कैंसल फ़ाइल किसी भी एक्टिव फ़ाइल के अंदर आपने मर्ज करवानी है तो वो भी हम आपको अलाउ कर देते हैं आ, इसके बाद जो हमारी अगली अकली भी इस सिलसिले में ना मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अक्सर ना मैं देखता हूँ ऐड आती है ना हमारे सेल पार्टनर्स की वो आ रही होती है जी कि किसी की कैंसिल फाइल है तो वो हम ख़रीद रहे हैं जी उसको ना एक डिस्करजमेंट होती है ये ना लोग सोचते हैं कि ये, ये हम हमने कंपनी ने वो कैंसिल की हुई है जी और जो सेल पार्टनर ख़रीद रहे हैं ये लगता है कि ये मिली बकत है कंपनी की और सेल पार्टनर की ना उसको अवॉइड करना है जी, जी, कि वो अपने अनाउंस ना करें कि कैंसिल फाइल हम खरीद रहे हैं बाय कर रहे हैं उसकी बिजनेस ना करें उसके ऊपर जी वह सिर्फ फ़ायदा उठाएं कि अगर कंपनी या आप उसको राय दे रहे हैं तो एक जो लोग मुश्किल में हैं उसका मुश्किल दूर करें मगर उसको बिज़नेस ना बनाएं ये ज़रा काइंडली कोशिश करनी है जी बिल्कुल ठीक है इसके बाद हमारे पास ट्रांसफ़र की पॉलिसी की क्वेश्चन रेज किया गया था ट्रांसफ़र पॉलिसी की ओल्ड ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो रिस्टोर कर दी जाए तो वी आर प्लीज के हम जो पुरानी ट्रांसफ़र की जो पॉलिसीज़ हैं स्मार्ट सिटी की जो लास्ट ईयर और उससे पहले जो चल रही थी वो उसका हम री कर रहे हैं और उसकी डिटेल्स जो हैं हम इंशाल्लाह आपको भेज देंगे फिर एक हमारे लिए क्वेश्चन जो किया गया वो था कैंसलेशन फ़ाइल्स के हवाले से जो 21% परसेंट से 35% परसेंट के दरमियान जो फ़ाइल्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं इससे पहले हमारी टेन और ट्वेंटी परसेंट की फाइल्स जो थी वो कैंसिल हुई बाद में नॉन पेमेंट की वजह से ट्वेंटी वन परसेंट से थर्टी फाइव परसेंट की जो फाइल्स हैं वो भी कैंसिल हुई बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट तो हम जो इक्कीस से पैंतीस परसेंट वाली जो फाइल्स हैं उनको हम री स्टोर कर रहे हैं बशर्ते कि उनकी जो पेमेंट है फिफ्टी परसेंट पेमेंट जो है वो फिफ्टीन सेप्टेम्बर तक वो करेंगे और बाकी जो फिफ्टी परसेंट पेमेंट है वो अगले एक साल के अंदर कम्प्लीट करेंगे और इसको फर्दर हम रिफ़ाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलके रिफ़ाइन करके इसकी जो भी इंशाल्लाह राइटिंग में हम आपको ये चीज़ें दे देंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रोसेस करेंगे तो मुजीब जो हम कह रहे थे कि जो कैंसिल फाइल हैं वो अगर जो नए रेट से जी वो ले लें और जो पिछले पैसे हैं वो पिछले रेट से हो जाएंगे नया रेट बाकी लगेगा वो क्या पॉलिसी जी उसमें हमारी अभी जो फर्दर डिस्कशन हुई उसमें अंदर ऑप्शन ये हुआ कि ये जो पेमेंट है वो एक साल के अंदर हमने करनी है कैंसिलेशन वाली जो फाइल्स की है लेकिन अगर किसी बंदे के पास फिफ्टी परसेंट वो रिस्टोर कर लेता है पेमेंट फिफ्टीन सितम्बर तक और उसके बाद अगले एक साल के अंदर उसके पास पेमेंट अरेंज नहीं हो रही तो वो दो साल में भी पेमेंट कर सकता है बशर्ते के जो हमारे अभी करंट रेट है वो बाकी पेमेंट करंट रेट के हिसाब से एडजस्ट करे थर्टी वन फिफ्टी के हिसाब से जो हमारे रेट चल रहे हैं तो ये भी एक उनके पास एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी है कि वो दो साल के पेमेंट प्लान के ऊपर करंट रेट्स के ऊपर बकाया पेमेंट एडजस्ट करके इसको आगे लेके चल सकता है इस बात पर लोग खुश नहीं हुए आपकी ये सारी खुशियाँ इनको सर मिल नहीं सकती अच्छा अगर मैं होता ना तो मैं ये अडॉप्ट करता क्योंकि इसमें यह है कि देखिए जब आपने पुराने रेट पे फाइल लेनी है ना और आपने सारे पैसे जमा यकदम कराने हैं अगर मेरा कनाल का प्लॉट है तो आपने यकदम पचास साठ लाख देना है ये जो पॉलिसी है इसके तहत आप थोड़े पैसे देंगे जी और बाकी दो साल में देंगे ना दो साल में देंगे तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अच्छा अच्छा ऑप्शन है बिल्कुल इसमें आप अपना जो ओन बना बना सकते हैं दो चार किस्तें दे के उसको बेच दें मार्केट में तो ज़्यादा अच्छा जी ये और जो आप पचास लाख दे के लेंगे

Uh, और जो सर चार्जेस हैं उसको हम uh, पेंडिंग में डाल दें फॉर वन ईयर वी हैव स्पोकन विद जाए साहब हमने उनको बताया कि हम एक कमेटी बना के उसके ऊपर डिसीजन जो रिकमेंडेशन हैं वो लेंगे और फिर आपसे डिसीजन लेंगे बट इमीजिएटली इज़ वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने जो है इसके ऊपर भी अपना uh, कहा कि क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर जिस तरह के हालात चल रहे हैं लीडिंग ब्रांड ऑफ रियल स्टेट आई थिंक वी शुड कम अप विद अ स्ट्रेटजी जिससे तमाम रियल स्टेट वाले जिस पॉलिसी को फॉलो करें और वो एक तरह से जो फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को अपने मेंबर्स को वो ज़रूर करें तो इसको इनिशिएटिव को लेते हुए जो हमारे डेवलपमेंट चार्जेस जो हमने लगाए थे वो उसकी जो कलेक्शन है हम इकत्तीस जुलाई 2024 तक पेंड कर रहे हैं इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं ऑफ़ कोर्स इसके अंदर ओवरसीज सेंट्रल ओवरसीज प्राइम हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट और हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल ये ब्लॉक शामिल होंगे जो सरचार्ज के हवाले से बात है देखें जी एज अ डेवलपर हमारी जो सरचार्ज है इट इज़ नॉट आवर सोर्स ऑफ इनकम कि हम ये कोई सोर्स ऑफ इनकम समझें इसका बेसिक मकसद ऐसे ही है जैसे मुल्क के अंदर जो कानून बनाया जाता है उस कानून में ए, कानून बनाने का मकसद ये होता है कि लोग उससे डरें और अब कानून के दायरे में रह के काम करें तो चार्जेस भी बेसिकली एक ऐसा ही है कि लोग अपनी पेमेंट्स टाइम पे करें लेकिन इन हालात को या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक अगले एक साल के जितने भी हमारे जो चार्जेस हमने लगाए हुए थे उसको हम पेंडिंग कर रहे हैं चार्जेस को लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज़ जो जाहेद साहब ने बड़ी काइंडली विद द सपोर्ट ऑफ मलिक साहब क्योंकि इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव था इस चीज़ को uh, बताने में समझाने में कि हम ना ये सिर्फ सर uh, पेंड कर रहे हैं जो प्रीवियसली हमने कलेक्ट किए थे लोगों से सरचार्जि वो उनकी फ़ाइल्स के अंदर हम क्रेडिट बैक कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि uh, ये वाकई ही रियल स्टेट की तारीख में एक बहुत बड़ा फ़ैसला है यहाँ शायद ही कभी किसी ने कोई चीज़ लेने के बाद वापस की हो लेकिन ये बताना आप लोगों को मकसद था कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो सर चार्जेस थे ये इसका मकसद आपको परेशान करना नहीं था सिर्फ़ आपको बावर कराना था कि आप अगर अपनी चीज़ें अपनी किस्तें सब चीज़ें टाइम पर देंगे तो हम डेवलपमेंट को उसी स्पीड में लेके चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको जैसे मैंने पहले बताया डेवलपमेंट के बारे में कि आउट ऑफ 49 नाइन सेक्टर थर्टी एट सेक्टर हमारे डिलीवर हो चुके हैं ये पैसे से डिलीवर होते हैं तो मेरी जितने क्लाइंट्स हैं जितने सेल्स पार्टनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि देखें इस हालात को मद्देनज़र नज़र रखते हुए हमने आपके बात को सुना इसको ऑनर किया हमारे जितने बड़े लोग हमारे जो बड़े सेल्स पार्टनर पुराने सेल्स पार्टनर हैं और ख़ासतौर पर मैर की इंस्ट्रक्शन थी कि सारा कुछ ही माना जाए तो हमने इसको माना है लेकिन ये आपकी भी अब आप जिम्मेदारी है आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट्स को हमेशा मोटिवेट रखें कि वो अपनी पेमेंट्स को टाइम पे रखें ताकि अगर आप हमसे अच्छे अच्छे की तोक़ु कर रहे हैं तो हम बेहतरीन डिलीवर करें अच्छा नहीं बेहतरीन डिलीवर करें और वो उसी सूरत में हो सकता है कि तमाम लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और हम लोगों को एक उसी तरह का डवेलपर कंसिडर मत करें जो कि मार्केट के, के गम्स करना जानता है हम गेमिक्स करना नहीं जानते हम सिर्फ काम करना जानते हैं हम सिर्फ डिलीवर करना जानते हैं और बेहतर से बेहतरीन को हमारा कंपटीशन जैसे हमेशा मलिक साहब कहते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है वो हमारे अपने साथ है किसी के साथ कंपटीशन नहीं है अल्लाह हमारा नासिर हो, हो अल्लाह आपका भी नासिर हो मैं आप लोगों ने जो सजेशन दी और मैं ख़ास तौर पर असलम मलिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सेकेंड किया और उसके बाद जाहिद रफ़ीक साहब का जिन्होंने इसको अप्रूव किया जो हमारे चेयरमैन भी हैं जानदेव साहब उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ना सिर्फ़ एक नया ट्रेंड मार्केट में सेट होगा बल्कि लोगों को इस बात का एहसास भी होगा कि उन्होंने अच्छे लोगों के साथ अच्छे तरीके के साथ चलना है सर आप कुछ कहना चाहते हैं जी बहुत शुक्रिया मुजीब Uh, मैं आप सबको इंक्लूडिंग uh, मजीब साहब मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज आपने पाँच ही मेरे ख्याल क्वेश्चन किए थे और एज इट इज़ जिस तरह क्वेश्चन थे वो मैनेजमेंट uh, ने और चेयरमैन साहब ने जहाजेब साहब ने अप्रूव कर दिए और लकीली वो चूँकि लंदन में है अक्सर बात उनसे हो नहीं पाती आज अभी वो अवेलेबल थे तो उन्होंने फ़ौर बात सुनी और वो उन्होंने बात को वेट भी कर दिया बल्कि उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि आप सर चार्जेस ले क्यों रहे हैं ये अच्छी खबर नहीं है आपके लिए ये मेरे लिए वो है कि सर चार्जेस लेने तो पड़ेंगे अगर दोबारा लोग नहीं देंगे ये मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं लेंगे दोबारा जो लोग नहीं देंगे दोबारा जाहिर है थोड़ा सा थ्रेट करना पड़ेगा ताकि लोग टाइम पे अपनी इंस्टॉलमेंट दें मगर वो उनका ख्याल ये था कि हमें ये जो इंस्टॉल लिए हुए पैसे हैं हम तो मैं तो ये कहा था कि ये वापस नहीं करते आइंदा नहीं लेंगे तो उन्होंने कहा नहीं जो लिए हैं वापस करें और आइंदा अगर नहीं देंगे तो फिर आप कोई जो फार्मूला बना लें और तीन लोगों को पकड़ लें वो एक शिक्राल वाले हैं और एक चीमा साहब हैं और एक ये फयाज साहब हैं जिन्होंने कहा था इनको हम पकड़ लेंगे फिर अब ये बाकी लोगों से टाइम पे बाकी इंस्टॉलमेंट अदर देन जो डिले की हैं या सस्पेंड की हैं अजीब साहब ने वो लेके देना आप लोगों की जिम्मेदारी है तो आप लोगों को बड़ी मुबारक हो आप लोग इस पर बड़ी एफर्ट कर रहे हैं आप हमारे साथ हैं और आप लोग की जो नेक नीति है माशाल्लाह वो हम हम सब की कामयाबी का एक वजह है बेशक थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपके आने का भी और ये उम्मीद है कि हम जो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में जो यहाँ पे एक छोटा सा और हम आपको देंगे ब्रीफिंग उसमें इसके रिज़ल्ट आपने बताने हैं हमें कि जो हमने आज अनाउंसमेंट्स किए हैं आपके तो से और आपके कहने से उसका क्या रिजल्ट आ रहा है और तो तो इसमें मुझे थोड़ा सा ये फियर है कि जो बाकी सोसाइटीज़ हैं ना वो थोड़ा सा वो हमसे नाराजगी का इजहार करेंगी कि इन लोगों ने जो एक नई जो है ना एक गलत किस्म की नई रूटीन, रूटीन क्या कहते हैं रीत रीत को क्या कहते हैं इंग्लिश में ट्रेंड जो है ना वो शुरू कर दिया है पैसे लिए वापस कर दिए तो वो हमें भी वापस करने पड़ेंगे थोड़ा सा हमें वो एक ऐसा फील हो रहा है मुझे कि लोग आएंगे मगर हमने अगर वो ऐसा होता है तो आप लोगों ने उसको फिर पॉजिटिव जवाब देना है अपने भी यूट्यूब्स में बाकी जो भी तरीकाकार है आपका सोशल मीडिया में ताकि हम हमारे ख़िलाफ़ ना जब जाए बात या किसी भी वजह से मैं सर समझता हूँ कि जो काम नेक नीति की बेस पे हो तो इन हमेशा उसके अंदर बरकत ही डालता है हमने नेक नीति की बेस के ऊपर ये ए, इन लोगों ने मशरे दिए जाहिर साहब ने आपने हमने माने तो इनशा इसके अंदर अल्लाह तला ने खैर रखनी है अल्लाह ताली जो आप लोग हम लोग और हमारे चेयरमैन हमारी कंपनी में जो भी वर्कर हैं काम करने वाले हैं सबकी ज़िंदियों में बरकतें दें और जो रहने के लिए आएंगे जो मेंबर हैं या इन्वेस्टर हैं उन सबको यहाँ से वो अच्छे अहसन तरीके से प्रॉफिट लेके जाएं किसी को नुकसान ना हो जाहिर अभी ये बाहर बात कर रहे थे हमसे कि ये हमने ख्याल करना है कि, कि किसी को नुकसान ना हो कोई ये ना कहे कि मैं वहाँ गया था प्लॉट दो लिए थे तो नुकसान हो गया ये हमने इंश्योर करना है इन आप भी कर कोशिश करें हम भी कोशिश करें कि बता जो निकल रहा है उसको नुकसान में ना निकले वो कुछ ना कुछ लेके यहाँ से जाए और दुआ करे सबके लिए thank सर you. या मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ मैं तमाम मेंबर्स की तरफ से और तमाम सेल्स पार्टनर की तरफ से मलिक साहब के लिए और मुजीब साहब के लिए एक स्टैंडिंग बनता है कि जिस तरह हमारी बात सुनी गई है थैंक यू सो मच थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच